आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नया तरीके का हेल्दी वेज कटलेट। इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है कुछ वेजिटेबल के छिलके। ये मैंने लिया है आलू और कद्दू के छिलके, उसके बाद पत्ता गोभी के, तोरी और गाजर। और मैंने लिया है चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, पीनट पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, चाट मसाला, तेल, नमक। और मैंने लिया है बारीक कटी हुई प्याज, 4-5 कलियां लहसुन, 2 हरी मिर्च। इसके बाद हमें एक एक करके सारे सब्जियों के छिलकों को मिक्सी में डालना है। अब हम इसमें हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, थोड़ा सा प्याज डाल के ग्राइंड कर लेंगे। पहले इसमें पानी नहीं डालना है। देखिए पेस्ट को ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल देना। अब हमारा पेस्ट तैयार है और हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमें डालना है चावल का आटा, क्वांटिटी देख के आप डालना। उसके बाद कॉर्नफ्लोर, पीनट पाउडर, प्याज, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, आखिर में नमक अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालना। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए पेस्ट ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ऐसे ही रखना। अब शुरू करते हैं। पैन गर्म होने के बाद तेल डालेंगे, अब हम इसको इसे राउंड करके सेक देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। चलो हम इसको खोल कर देख लेते हैं। देखिए नीचे की तरफ गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब एक एक करके सारे को पलट देंगे। पलटने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब देख लेते हैं दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत हेल्दी है। हम तो सारे छिलके को हमेशा फेंक देते हैं, अब फेंकेंगे नहीं। इसको हम बना के बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे पसंद भी करेंगे बहुत। अब हमारा वेज कटलेट बन के तैयार है। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हो।